हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मिनी एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए, बिल्कुल छोटा एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए आज मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास टू मॉडलर का सरफेस बॉक्स है। इसको हम टू मॉडलर का सरफेस बॉक्स बोलते हैं, PVC। और दोस्तों ये जो है टू मॉडलर का प्लेट है। जो है दोस्तों ये एक सॉकेट है, ये सॉकेट का नाम है दोस्तों मल्टी सॉकेट। तो ये तीन चीज़ से आपको एक मिनी एक्सटेंशन बोर्ड बना के दिखाने वाला हूँ और आप भी इस चीज़ को घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस दोस्तों ख्याल इस बात का रखना है, ये बिजली का काम है, थोड़ा ध्यान से। जैसा कि दोस्तों ये प्लेट है हमारे पास, अब इसको मैं ये प्लेट का कवर जो है इसको निकाल लेता हूँ और उसके बाद ये जो सॉकेट है दोस्तों इसको इस जगह पर फिट कर देता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों इसको इस जगह पे फिट करना होता है। तो पहले हम इसमें वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास दो वायर है दोस्तों, आप तीन वायर का भी कनेक्शन कर सकते हैं अगर आपको अर्थिंग की ज़रूरत है तो। तो सिर्फ मैं फेज और न्यूट्रल को यूज़ करूँगा, अर्थिंग का कनेक्शन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो वायर है इसको इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद जो है दोस्तों एक यहाँ पर गांठ लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब ये वायर खिंचाएगा दोस्तों ये निकलेगा नहीं और इस पर भी लोड नहीं पड़ेगा। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। बिल्कुल इजी है ये छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का तरीका, बहुत ही आसान है। अब जो दोस्तों रेड वायर जो है हमारे पास फेज है, फेज जो है दोस्तों हमेशा राइट साइड होता है और यहाँ पे लिख भी रहा है एल माना लाइन और एन माना न्यूट्रल और अर्थिंग का यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा होगा, मतलब इसमें अर्थिंग का पॉइंट, अर्थिंग का वायर कनेक्ट होगा और इसमें फेज वायर लाइन का वायर कनेक्ट होगा और इसमें न्यूट्रल। तो दोस्तों मैं लाइन का वायर इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें दोस्तों न्यूट्रल कनेक्ट करना है। ये बोर्ड का जो कनेक्शन है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका फिटिंग कर लेता हूँ। ये स्क्रू से इसके बाद ये कवर जो है फिट कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट दिख रहा है ये छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड, आपको भी दिख रहा होगा दोस्तों। ये बनके तैयार हो चुका है एक्सटेंशन बोर्ड, अब इसमें करंट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये करंट भी ऑन है, इसमें फेज है और इसमें न्यूट्रल। जैसा कि मैंने बताया था फेज हमेशा राइट साइड होता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट साइड है और न्यूट्रल लेफ्ट साइड। अब जो है दोस्तों ये चार्जर से एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चार्जर का वायर है, ये हमारे पास चार्जर है और मैं इसको यहाँ से फिट कर लेता हूँ और यहाँ से करंट मैं ऑन कर दे रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा मोबाइल में चार्जिंग शो हो चुका है। सो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हुआ दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।